गुड मॉर्निंग, मैं विवेक सिंह, स्पेशल एजुकेटर पटियाला स्कूल फॉर द ब्लाइंड से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मैथमेटिक्स में उपयोग करने के लिए अबेकस और टेलर फ्रेम है, तो उसी प्रकार से ये एक उपकरण है, इसको मॉडल के रूप में हम बता सकते हैं। इससे हम एंगल बता सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चे एंगल को दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से तो ये एंगल है, इसका है एंगल सिस्टम है। इसमें 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 75, 90 ऐसे करके सारे एंगल हम बना सकते हैं, जिसको दृष्टिबाधित व्यक्ति स्पर्श के माध्यम से पहचान गए। जैसे कि हम अबेकस में प्लस माइनस करते हैं, उसी प्रकार से इसमें एंगल का प्रयोग करते हैं। जैसे हमको बनाना है 15 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये केंद्र बिंदु से 0 लगाना है, उसके बाद केंद्र बिंदु से पहले स्टेप पर 15 डिग्री का कोण बन गया। हमको 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो इसमें 45 पे लगाएंगे, 4 नंबर वाली पिन पे 45 डिग्री का। 90 में बनाना है तो सीधे ऐसे लगाना है, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ऐसे करके हम 180, 270 सारे कोण, 360 डिग्री का कोण हम बना सकते हैं। जैसे हमको 270 का कोण बनाना है, तो यहाँ से ये 270 डिग्री का कोण बन गया। कोण संबंधित समस्याएं आती हैं कोण बनाने में, उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। Break Free Solutions brought to you by EI Labs and Project Discovery.